अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। बेटा मैं मैथ्स की टीचर मिसेस इरम आरिफ। आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूनिवर्सल एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, ये सारे सेट्स दिए हुए हैं आपको, ए माइनस डी, डी माइनस ए, ये सारे पार्ट्स हैं आपके। ये सारी चीज़ें मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, माइनस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, इसमें वेन डायग्राम नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये सारे सेट्स आपको बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इसको पहले आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। जब टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तभी आप सॉल्व कर सकोगे ना। तो ये वाला जो सेट है यू, ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर 10 तक है, 10 भी आएगा क्योंकि देखें ये इक्वल की साइन भी साथ में आ रही है, तो 1 से लेकर 10 तक सेट बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है ये सेकंड में ई इवन सेट है, इवन नंबर का सेट, इवन नंबर में भी 10 साथ में शामिल है, इक्वल टू की साइन भी साथ में। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। फिर है ओ यानी ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें 10 तो ऑड नंबर है ही नहीं ना, 10 तो वैसे भी इवन है। इसके बाद है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 10 तक, तो 10 तो है ही नहीं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला आप सही कर लें, ये क्यू है, ये क्यू नहीं आएगा, क्यू को काट दें आप, सी लिखें, ये कंपोजिट नंबर सी। अब कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 4, 6, 8, ठीक है, 8 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू की साइन आ रही है। अब जैसे ही आपने बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में किया, आप ये सारे इजीली आंसर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है, इसमें भी वेन डायग्राम नहीं है। इसके बाद 3, 4, 5, 6 में आप देखिए वेन डायग्राम मौजूद है, तो ये वही वाली वेन डायग्राम्स है जो मैं आपको पीछे प्रीवियस पेजेस में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग जो हैं वो जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है पेज नंबर 11, 12, 13 की, वो देखें, उसको अच्छी तरह से समझें, इसके बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।